जैसा कि फीडबैक मिला है आप सबने देखा होगा, और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी जम्मू कश्मीर के अंदर, तरह तरह की सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत हमारे अलायंस को मिलेगा। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहां के लोगों ने 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि जम्मू के संभाग के लोग भी और कश्मीर के भी सब लोग मिलकर कांग्रेस एनसी के अलायंस को बहुमत देंगे और दोनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो चुनाव हुए हैं दोनों जगह, ये बदलाव के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब के माध्यम से ही केंद्र सरकार और बीजेपी अपना शासन चला रहे थे, लेकिन लोगों ने बदलाव को वोट दिया है, अच्छे प्रतिशत में मतदान हुआ है, वोट परसेंटेज हाई हुआ है, और मुझे लगता है कि हम लोग दोनों स्टेट्स में अच्छा सरकार बनाने में अपनी हम कर पाएंगे। और जहाँ तक कौन नेतृत्व करेगा उसका चुनाव देख प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, कि विधायक दल की मीटिंग होती है, अब जब दिल्ली से जाते हैं अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देते हैं और सेंट्रल लीडरशिप विधायकों की सलाह के बाद निर्णय करते हैं कि कौन हमारे विधायक दल का नेता बनेगा। अब राजस्थान में भी विधानसभा सीटें उपचुनाव की तारीख, अब ये तो वो पार्टी है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने बाकी हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ही जो 7-6 विधानसभा हमारी हैं और 10 उत्तर प्रदेश में हैं, कई लोकसभा सीट खाली पड़ी हैं, तो बहुत जल्द चुनाव होंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो हालात आज बने हुए हैं, एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, लोगों को मालूम नहीं है कि सत्ता का केंद्र क्या है, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं, जब गवर्नेंस में इतना कन्फ्यूजन होगा तो डिलीवरी कैसी होगी। आज एक साल हुआ नहीं सरकार को और अपना इकबाल सरकार ने खो दिया है, अपनी विश्वसनीयता खो दी है, और अब गांव में जाइएगा सारे विकास काम ठप पड़े हैं, ना धनराशि आ रही है, ना अधिकारियों में कोई सरकार का कोई डर खौफ है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो इतनी जल्दी सरकार से लोगों का मन उठ जाएगा हमने कल्पना नहीं करी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अभी रहेगी, 4 साल और उनको काम करना है, लेकिन जो अभी तक जो हमने सरकार का कार्यकाल देखा है वो बहुत ही निराशाजनक है। कि 5 लोगों की मौत हो गई, अवैध बजरी के कारोबार लगातार पनप रहे हैं। भाई मैं तो जितनी बार भी लोगों से कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि सरकार को सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग कानून तोड़ते हैं, चाहे वो शराब माफिया है, बजरी माफिया, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति भी हो, किसी विचारधारा का हो, किसी दल का हो, किसी नेता से जुड़ा हो, अधिकारी हो, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस प्रकार लगातार इस प्रकार के घटना बढ़ती रहेंगी। इतने लोग मारे जा रहे हैं और धड़ल्ले से चोरियां हो रही हैं, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। अब बच्चियों के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, दुष्कर्म हो, दलितों आदिवासियों के साथ जो हो रहा है हम देख रहे हैं, और बदरी माफिया इतना हावी हो चुका है कि लोगों की तरफ सरेआम वो लोग लूटपाट मचा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, सरकार हाथ ज्यादा के बैठी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर 30 साल का पूरा हो गया, किस तरह देखते हैं? उनका तो पूरा हो गया, लेकिन जनता का क्या होगा? आप तो राज कर रहे हैं लेकिन शासन के नाम पर आपने किया क्या है? आज हर वर्ग परेशान, हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग हो, किसान वर्ग हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, और खासकर हमारे आदिवासी दलित भाई बहन, सबके मन में जहन है एक भविष्य में क्या होगा। शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, कोई सरकार समाधान ढूंढ नहीं पा रही है। आज भी वही घिसे पिटे भाषण बार बार बीजेपी के नेता दे रहे हैं, और मैंने तो देखा है कि जब हरियाणा के चुनाव थे तो भाजपा के बड़े नेताओं ने वहां से अपने हाथ खींच लिया, तो उनको लगा कि यहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे तो प्रचार कम कर दिया, सभाएं कम कर दी। पहले तो जो चुनाव होते थे नगर निगम के, उसमें प्रधानमंत्री की शक्ल यूज करके उनका नाम और भाषण चलाते थे, अब उनको लगा कि हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हार रहे हैं तो अपने हाथ खींच लिए उन्होंने, वो भी असली को समझ रहे हैं। और इन चुनावों के बाद, जैसा राहुल जी ऑलरेडी कह चुके हैं, वो कल महाराष्ट्र में थे, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारा गठबंधन मजबूत सरकार महाराष्ट्र में बनाएगा। लगातार बयानबाजी चल रही है कि राजस्थान में सत्ता नहीं, सरकार चल रहा है। मैंने खुद ही कहा ना आपको कि एक साल से कम समय हुआ नहीं है और सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, संगठन सरकार में कोई तालमेल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है, डिलीवरी हो नहीं रही, वादे पूरे करना छोड़ो, जो काम हम चालू कर गए थे उन कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, धनराशि आवंटित नहीं हो पा रही है, स्कीम्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, निर्माण काम ठप पड़े हैं, बिजली पानी के हालात हम लोग देख चुके हैं। तो सरकार जब बनती है तो जनता के वोट से बनती है, आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए
और लगातार सेल्फ गोल करते रहें, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी।